नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अवधेश कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट्स प्लानेट में। आज हम चर्चा करेंगे एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। हम रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, काम करते हैं, कई बार काम दुर्भाग्यवश नहीं चलता या कोई और ऐसा कारण होता है कि हमें रजिस्ट्रेशन अपना कैंसिल करना होता है, तो वो हमें किस प्रकार से कैंसिल करना है ये दिया गया है सीजीएसटी रूल 2020, रूल नंबर 20 में, सीजीएसटी रूल नंबर 2020 में दिया गया है कि किस प्रकार हम अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल करने के लिए हम एप्लीकेशन डालेंगे। कई व्यापारी बंधु काम करते हैं, काम उनका बंद हो जाता है और रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करते हैं, ये गलत चीज है। यदि आपका काम बंद हो गया है, आपका बिजनेस बंद हो गया है किसी भी कारण से, तो कृपया अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर जरूर करें। एक एप्लीकेशन होती है कैंसिलेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, वो एप्लीकेशन आप जरूर डालें। इसके बिना आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेट फाइन उसमें जुड़ती रहेगी और अधिकारी कई बार फिर इसमें डिमांड नोटिस भी इशू कर सकते हैं। तो इन सब से बचने के लिए आप जब आपका बिजनेस किसी भी कारण से अगर बंद हो रहा है तो आप जरूर एप्लीकेशन डालें कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की। ये किसमें डलती है? ये फॉर्म है आपका फॉर्म जीएसटी आरईजी 16। आप सर्विसेज में जाएंगे, इसका हमने लाइव डेमो भी बताया हुआ है किस प्रकार आप उसे करते हैं। लॉगिन करते हैं, सर्विसेज में जाते हैं, सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन में एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन क्लिक करते हैं और उसमें एक फॉर्म आपके सामने खुल जाता है जिस फॉर्म का नाम होता है जीएसटी आरईजी 1616। इस फॉर्म को आप प्रॉपर फिल करते हैं और उसके बाद डाल देते हैं, ये अधिकारी के पास चला जाता है। अधिकारी इसको एग्जामिन करने के बाद आपको एक ऑर्डर इशू कर देता है कि हाँ, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है, अब आपकी क्या इसमें फ्यूचर लायबिलिटी कोई नहीं रहती है। तो इसके लिए रूल क्या कहता है, कोई भी ए रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन, अब इसमें कौन कौन उन्होंने बता दिए हैं कि जो नहीं कर सकते या जिनके लिए अलग रूल है, जिनके लिए रूल 20 नहीं है, whom a register has been granted under rule 12, जिन्होंने रूल 12 में रजिस्ट्रेशन लिया है। रूल 12 में रजिस्ट्रेशन होता है टीडीएस और टीसीएस वालों का, ठीक है, और जिनका यूआईडी नंबर है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये एम्बेसी वगैरह होती हैं या अलग जो कुछ अथॉरिटीज होती हैं उनके पास होता है, रूल 17 में इसको दिया हुआ है। तो इन दोनों को छोड़ के, टीडीएस टीसीएस और यूआईडी वालों को छोड़ के जो है, कोई भी रजिस्ट्रेशन पर्सन अपना जो है कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट डाल सकता है। वो इलेक्ट्रॉनिक फाइल ये सबमिट होगी, इसमें कोई वो जाना नहीं पड़ेगा आपको। ये फॉर्म नंबर मैंने आपको बता दिया 16 में होगी, इसमें डिटेल आपको देनी है, आईटीसी की जो भी डिटेल है वो आपको देनी है, क्या आपका टैक्स बन रहा है अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, सेमी गुड फिनिश गुड, वो सब आपका उसमें पहले अकाउंटिंग में होगा तो वो आपको वैसा का इसमें डाल देना है। कैपिटल गुड का क्या स्टॉक है और जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी और आईटीसी का जो भी डिटेल है वो उसमें फॉर्म में होता है, जैसे जैसे उसमें दिया है बिल्कुल वैसे वैसे आप उसमें फिल कर देंगे। डॉक्यूमेंट उसमें लगा देंगे, अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो वो लगा देंगे, रीजन आप लिख देंगे क्यों आप कैंसिल करने जा रहे हैं। हाँ, इसमें एक टाइम लिमिटेड दी है कि आपको ये एप्लीकेशन विद इन 30 डेज डाल देनी है, जब भी जो भी कोई इवेंट जिस कारण से बंद हो रहा है वो घटना घटित हुई है उसके 30 डेज में आपको ये एप्लीकेशन डाल देनी है कैंसिलेशन की। तो यहाँ आपका टाइम पीरियड हो गया 30 डेज, क्या उसमें डिटेल जाएंगी वो हो गया, कौन सा फॉर्म है वो हो गया। इसमें एक पहले होता था जो अब कैंसिल हो गया है, तो ये भी आपको जानना जरूरी है क्योंकि कई लोग अभी इसे लेके चल रहे हैं जबकि ये कैंसिल हो चुका है। पहले एक नियम होता था कि जिसने वॉलेंट्री अगर रजिस्ट्रेशन लिया है तो उसका एक साल से पहले पहले जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होता था, आप अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर कैंसिल नहीं कर सकते एक साल से पहले यदि आपने वॉलेंट्री, जब आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो वहाँ रीजन आता है, तो अगर आपने वो वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है तो आप एक साल से पहले उसे कैंसिल नहीं कर सकते। लेकिन ये अब रूल नहीं है, ये रूल खत्म हो चुका है, तो ये भी आप ध्यान रखें। तो ये था हमारा रूल 20
एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। और इसी प्रकार आप कमेंट करें और किस विषय पर आपको वीडियो चाहिए वो हमें लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें उत्साहवर्धन होता है हमारा और हम और अच्छी वीडियो आपके लिए बनाते हैं। और इसमें किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप डालें। थैंक यू, धन्यवाद।